लगभग एक महीने से किसान आंदोलन जारी है। किसान लगातार दिल्ली कूच करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा और सतर्कता के चलते किसान इस बार दिल्ली कूच नहीं कर पा रहे। इस बीच किसानों ने ऐलान किया है कि वे कल यानी 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि इस महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों के किसान शामिल होंगे। किसान संगठनों की तरफ से इसे लेकर दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी गई थी, जो उन्हें मिल गई है। दिल्ली के पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन का कहना है कि हमने किसानों को कुछ शर्तों के साथ किसान महापंचायत की इजाजत दे दी है, जिसमें हमने किसान मोर्चा के नेताओं से एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर देने को कहा था, जिसमें साफ लिखा गया है कि किसान दिल्ली पुलिस की शर्तों का पूरी तरह से पालन करेंगे। तो वहीं एसकेएम ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने महापंचायत आयोजित करने और दिल्ली नगर निकाय के सहयोग से पार्किंग स्थान और पानी, शौचालय और एम्बुलेंस जैसी अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एनओसी जारी कर दिया है। एसकेएम का कहना है कि ये महापंचायत शांतिपूर्ण होगी। इस महापंचायत में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष के लिए संकल्प पत्र भी पारित किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले एसकेएम और किसान मजदूर मोर्चा ने दिल्ली चलो का आह्वान किया था, लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पंजाब के किसानों को दिल्ली तक आने ही नहीं दिया। उन्हें पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया। बताते चले कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।